नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू एसएससी जेल हब। एसएससी जेल हब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, एसएससी सीजेल का कुछ वैकेंसी रिलीज हुआ है एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके लिए। ओके, कोई स्टूडेंट मुझे पूछ रहा था, आई थिंक सम साहू स्टूडेंट का नेम है, सौम्यरंजन साहू आई थिंक, उन्होंने पूछ रहे थे कि सर एसएससी एक्साइज इंस्पेक्टर का वैकेंसी कितना आएगा, तो मैं उनको भी बता देता, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो फिर से अभी मैं रिल बता देता हूँ कितना के हाथ से वैकेंसी है। 2018 में नहीं तो कब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, सोच लेना। ओके, ह्यूज वैकेंसी आया है स्पेशली इन एक्साइज इंस्पेक्टर, जो कभी नहीं आया था इतना वैकेंसी, तो बहुत बड़ी चांस है। तो एसएससी जेल हब आपको ऐसे ही प्रिपेयर करा है, तो आप इसको फॉलो कीजिए चैनल को, अपने दोस्त के साथ शेयर लाइक कीजिए एंड मो मैं आपको जितना भी स्ट्रैटेजी बताया उसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली यू गेट द सक्सेस इन योर एग्जाम। ओके, एंड नो वन विल डिफीट यू, इतना याद रखना। सो हम देखेंगे अभी वैकेंसी हमारा क्या है, जो एसएससी जेल का वैकेंसी अभी क्या है, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना। अगर मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा मिनिमम 4-5 मिनट के अंदर, मैं से आपको वैकेंसी बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं, तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं। इसके बाद CDS 2017 का क्वेश्चन पेपर आएगा, उस वो वीडियो आप देख लेना। ओके, तो चलिए मैं पहले वैकेंसी बता देता हूँ। देखिए, जितना भी वैकेंसी है आपका टेंटेटिव वैकेंसी है। क्या है भाई टेंटेटिव वैकेंसी? आपका एक्साइज इंस्पेक्टर 760 पोस्ट है, जो बड़ी ह्यूज वैकेंसी है। प्रिवेंटिव अफसर आपका 34 पोस्ट है, एग्जामिनर 46 पोस्ट है एंड CBI आपका 64 पोस्ट है। चारों पोस्ट में बता दिया। एक्साइज इंस्पेक्टर 760 जो ह्यूज वैकेंसी है, मुझे पता है बहुत सारे अगर कि कहाँ पे नहीं मिला तो एक्साइज इंस्पेक्टर जाना ही जाना है। उसके बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर आपका 34 पोस्ट है, एग्जामिनर आपका 46 पोस्ट है, CBI 64 पोस्ट है। तो ये जितना भी पोस्ट है आपका टेंटेटिव पोस्ट है। ओके, चाहे वो बढ़ सकता है वो बाद में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक्साइज इंस्पेक्टर 2000 भी हो सकता है, 1800 भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं हुआ भी बहुत बड़ा पोस्ट है। ओके, तो अभी टेंटेटिव वैकेंसी इतना है, तो ध्यान मन लगा के पढ़िए, स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, पढ़ोगे तो गारंटी सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, एक बार पोस्ट ग्रैब कर लिए मीन्स जिंदगी भर आपका सपना पूरा हो जाएगा, याद रखना। यहाँ पे चुक गए तो जीवन भर चुक जाएंगे। ओके, आपका एज भी बढ़ता जा रहा है, इतना ही याद रखना। ओके, एंड आजकल बैंकिंग एज अभी इतना डिफिकल्ट हो रहा है तो आपको पता ही होगा। तो SSC ग्रैब करना बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे एक्साइज इंस्पेक्टर जाए या फिर जो भी पोस्ट आए। ओके, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर, बट आपका एम होना चाहिए एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बड़ा बड़ा एम होना चाहिए। ओके, उसके बाद भी आपको लॉ के ऊपर डिपेंड करता है क्या होना है क्या नहीं होना है, तो लॉ के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका मर्जी, आपका पढ़ाई। ओके, सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना था मेरे जो मैं बता दिया, अभी देखना CDS का 2017 का क्वेश्चन पेपर आएगा एंड पहले इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि CHSL का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसका पेपर भी आपको लगा देना। ओके, इंपॉर्टेंट है, मैं स्ट्रैटेजी में भूल गया था बताने के लिए, अभी बता रहा हूँ कि उसका भी पेपर आपको एक बार लगाना ना। उसका जितना भी CHSL में GS आया था उसको थोड़ा रट लेना, पढ़ लेना, एंड आपको NCERT तो पढ़ना होगा, अभी कोई चारा ही नहीं है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको GS में 40 लाना है, जैसे भी करके आपको 35 से 40 के बीच लाना है, और 30-35 के अंदर नहीं लाना है, कभी भी मत लाना, फंस जाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ताकि भी उनको भी आपका इन्फॉर्मेटिव आइडिया कुछ मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।